हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द इंटीग्रल क्वेश्चंस बेसिकली वल्टेरा एंड इंटीग्रल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी टाइप किस तरह की होती है फर्स्ट काइंड की सेकंड काइंड की तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है इंटीग्रल क्वेश्चन की इंटीग्रल इक्वेशन इन विच अन फंक्शन जो हमारा अन फंक्शन है दैट टू बी डिटरमाइंड इंटीग्रल इक्वेशन अगर उस अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक्जिस्ट करता है उस में, तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है तो इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है नॉन लीनियर भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी ऑपरेशन अगर तो लीनियर पावर है फर्स्ट डिग्री है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन अगर ज्यादा डिग्री है तो हम उसको बोलेंगे नॉन इंटीग्रल तो जैसे हमारे पास लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है ये एफ एक्स जीरो भी हो सकता है स्मॉल वाला तो जहां पे ये, जो FX है, ये मेरा अननोन फंक्शन है इट कम्स अंडर द इंटीग्रल साइन आल्सो तो ये मेरा क्या है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है अगर इसी की पावर ज्यादा कर दे हम नीचे वाली इक्वेशन में तीन नंबर इक्वेशन में देखिए तो ये हमारी बन गई है नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन तो ये फर्स्ट बोली जो सेकेंड बोली ये थ्री बोली ये तीनों एक इंटीग्रल इक्वेशंस की एग्जाम्पल्स है जिसमें कैपिटल एफ एक्स आपका इसको हम बोलते हैं कर्नल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है जी इसको कर्नल बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का सो so, एनी या कोई भी जो इंटीग्रल इक्वेशन है जनरली की नॉन फंक्शन अल्फा जी एक्स के एन ये सारे नॉन फंक्शन है जिनके बारे में मुझे पता है लेमडा में भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर और मुझे यहां पे निकालना के एफ एन जो हमारा

ल्फा इज जीरो जो आपका एफ फंक्शन है सिर्फ एक बार ही आएगा पूरे क्वेश्चन में ठीक है तो उसको बोलेंगे okay जी? अगर आपका अल्फा वन हो जाए तो आपका जो एफ है वो दोनों साइड्स में आएगा तो उसको बोलेंगे विल्टेरास इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड काइंड वाली इक्वेशन अगर आपका अल्फा जीरो ना जीरो है ना वन है ना तो वो इस तरह की इक्वेशन ही रहेगी तो उसको बोलेंगे वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड तो ये तीनों क्वेश्चन में जी हमारा एब्सुलट फंक्शन होता है इट इज अ फंक्शन अगर जी फंक्शन हमारा जीरो हो जाए तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड तो जिसमें जी जीरो हो जाता है ठीक है और यहां पे अल्फा भी इसने वन लिया हुआ है तो इसको सेकेंड इक्वेशन बोलेंगे होमोजीनियस अगर जी नॉट जीरो होता है तो हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में भी आपको यहां पे आइडिया हो गया स्टूडेंट सेकेंड हमारे पास है फ्रेडलम्स इंटीग्रल इक्वेशन इट इज बेसिकली इंटीग्रल इक्वेशन इन द दिच डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन इज फिक्स इसका मतलब है जो इसकी लिमिट्स हैं वो फिक्स की गई है इंटीग्रेशन की ए टू बी ठीक है जैसे हमने पीछे डिफाइन किया वैसी ही टाइप की इक्वेशन है पर लिमिट्स इसकी फिक्स है ए से बी ठीक है तो तीन तरह की अगर अगर अल्फा अल्फा कर कर दें, दें, तो जैसे हमने है। इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड दोनों साइड में करेगा। अगर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, देन इक्वेशन तो दोनों इक्वेशन सेम ही होती है सिर्फ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का आपने ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल है अपर लिमिट तो वो आपकी है वोल्टेरा अगर ऊपर अपर लिमिट, लोअर लिमिट दोनों ही कांस्टेंट नंबर है, तो है इंटीग्रल ठीक है जी, तो, अगर जी आपका जीरो है, तो आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो ये तो सारी थी लीनियर इंटीग्रल की, की अगर नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो तो उसमें जो अननोन फंक्शन है वो अपेयर करेगा ज्यादा पावर में यानी कि उसकी पावर ज्यादा आ जाएगी टू थ्री फोर इन द केस ऑफ इंटीग्रल ठीक है तो इसको बोलेंगे नॉन लीनियर इंटीग्रल क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है इसकी टाइप्स क्या है वोल्टेरा और फेडलम्स की और फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप की क्या क्वेश्चन होती है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल डॉक्टर गौरव